जिम में गाने सुन सुन के तेरे कान खराब हो गए। हाँ तेरी आवाज सुननी नहीं पड़ती ना फिर। वाह क्या सीन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तू क्यों आ रहा बीच में? क्या क्या बोला तूने? ए पहले क्या बोला? चल चल चलो क्या लेने चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। What a beautiful view it is, and now we are heading to our final destination, and that is the Mata Mandir, which is near about 30 kilometers from here. So we'll see you there. Goodbye. ये वाला है क्या? फिर साइकिल? जाएगी गाड़ी खड़ी नहीं तो? चल जाएगी क्या? उतार के चला है। गाड़ी कैसे गई? गाड़ी का है यही वाला रास्ता है अंकल से पूछ। चल 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 पूछ ले दुकान से। बाल कुमारी मंदिर सुनाई नहीं दे रहा तेज बोलो। हाँ हाँ ऑनी है ऑनी है चले चलो आगे चलो तुम चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चेन उतर गए क्या? फाइनली पहुंच गए हैं मंदिर। और ये है नीचे का व्यू और बाकी लोग हैं पीछे इनका वेट करता हूँ। दिख नहीं रहे कहीं मैं तो भाई बड़ा मंदिर है पर फेमस ही नहीं है। वही तो मैं तो कोई टैक्सी वाला पकड़ता हूँ पेटीएम ले ले मुझे घर तक छोड़ दे। लाइनें लगती हैं भाई। व्यू देखना यहाँ से नीचे दूसरी पहाड़ी भी दिखेगी।
खाली है बिल्कुल अभी। अच्छा ज्यादा सही है। बहुत ही सुंदर माता बाल कुमारी का मंदिर, और ये मंदिर का आंगन, और ये है पंडित जी, और ये है पंडित जी का रेडियो। सबसे बढ़िया बात ये लगी, पंडित जी रेडियो कैच करते हैं यहाँ पे। हाँ चलो यही, तो आप शाम को नीचे जाते होंगे? हाँ गाँव में। यहाँ कौन रहता है? यहाँ बंद बंद सुबह खोलते होंगे? सुबह खोलता होगा ना। अच्छा कमरा है आपका? सबसे बढ़िया बात तो ये लगी यार, झंडा यहाँ पे जो फहरा रहा है ना, इतनी हाइट पे वो कितने प्यारे तरीके से। ये मैंने YouTube में देखा था, उसमें झंडा फट गया था। हां तो बंदा बोलता है यार नया लगाना पड़ेगा। अभी भी ऐसा ही है। वाओ यार क्या व्यू है यहां से। पूछा गया है यार ये तो बढ़िया है। ये देखो ना कितना प्यार है भाई साहब। यार हम आए इस बार हमारे बाद वो वाला भी कितना सही लग रहा है। देख यहां पे लोग कितने आते हैं। आते अबे हमारे से पूछेंगे ना फिर लोग, डाल देंगे ना, आने चाहिए यार लोग। अगर लोग नहीं आएंगे तो फिर जगह फेमस कर जाते हैं ना, लोग आएंगे थोड़ा बहुत चढ़ावा चढ़ाएंगे तो मंदिर। ये गांव है मेन रोड से हट के। अच्छा जो मैं उस समय शायद कह रहा था कि नीचे एक रास्ता जा रहा हो या तो फिर ये बिरागढ़ तो नहीं लग रहा है। मैंने देखा है अचानक से अलग सी जगह लगी। उड़ेगा यहाँ से अगर तो बहुत ग्राउंड लेवल, ग्राउंड क्या मतलब इसके लेवल पर। 11 बजे नीचे चले जाते हो रात को, आपको सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत नहीं होती ऊपर? और पॉइंट बहुत हमें दिक्कत हो गई, उन्हें नहीं होगी। और आप कब से उस मंदिर में? मैं यहाँ 40 साल हो गया। 40 साल पुराने। तो यार ये बहुत सुंदर मंदिर है, नीलकंठ वाली रोड पे है। जैसे आप नीलकंठ वाली रोड पे पहुंचो आपको यमकेश्वर का द्वार मिलेगा, और वहाँ आप किसी से भी पूछ रहे हो बात, माता बाल कुमारी का मंदिर बहुत सुंदर मंदिर है, बट बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पे। और आओ यहाँ पे पंडित जी से मिलो, और कुछ दान दक्षिणा भी कर दिया करो ताकि मंदिर को मेंटेनेंस में आसानी मिले। आइए चलो भाई। इधर के साइड भी था पूरा, ये वाला रूट देखा है हमने। प्रो राइडर का है। कौन सा प्रो राइडर? वो क्या नाम था उनका? अच्छा गिरीश भैया। हाँ साइकिलिंग छोड़ दी उन्होंने। छोड़ दी पता नहीं, फैमिली के साथ ही रहते हैं। कहाँ करते हैं? पहले भी तो रहते रहेंगे यार। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। छोड़ दी मेरी वजह से। सुबह नीचे गिरा दिया तुमने। इसके बाद बाथरूम गया तब तेरी कॉल आई, फिर उसके बाद मैंने कॉल करी तब तू बाथरूम गया। ऐसे चलता रहा आगे पीछे आगे पीछे, बात ही ना हो पाई। बस भैया यहाँ ज़्यादा सीढ़ियाँ कुंजापुरी में? यहाँ ज़्यादा यार कुंजापुरी में कुछ, कुंजापुरी में कहाँ है सीढ़ियाँ, वो तो इतनी सी होंगी यहाँ से। छोटे में नहीं भेजनी नहीं है, कुंजापुरी में कुछ भी नहीं इसके मुकाबले। छोटे में गया था मैं एक बार, यहाँ तो हम चल गए। मैं नीचे से ऊपर देखा चक्कर आ गया खड़ी सीढ़ी। नॉर्मल आदमी आएगा ना यहाँ पे स्कूटर बाइक से उसकी हालत खराब हो जाएगी। हमारी तो खैर वैसी लेग्स की वर्कआउट इतनी हो गई थी पहले। पौन घंटा लग जाएगा ऊपर चढ़ने में, खैर आधा घंटा तो हमें भी लगी गया होगा।
अरे फोटो खिंचा रहे थे ना, फोटो भी तो लड़ते हैं, फोटो के चक्कर में लगा हुआ, लेकिन चढ़ने में तो 20 मिनट से चढ़ने के लिए तो ऐसे हम भाग भाग के जाते हैं। मतलब भूतनाथ मंदिर गए हम, हरियाणा के लोंडे हार गए थे, उनकी सांसें फूल गई थी ऊपर चोटी पे चढ़ने में। अरे हाँ उनका ऐसे होता है, वो नहीं मंदिर, उसमें उनकी सांसें फूल गई थी, लेकिन बैठ गए सीढ़ी में लाइन से जान जाए, लेकिन नवाब अबे टुंगनाथ है तो लोग आधे आधे रास्ते से ही वापस जा रहे, कह रहे हैं और कितना है, हमने मैंने बोला थोड़ा सा ही है, फिर कह रहे हैं यार यहाँ तो इतना वो लग गई है, ये वापस से चलते हैं, वापस चले गए भाई, गए तो थोड़ा सा वेट कर, अबे इतने दूर से यहाँ आए घूमने और वो पूरा भी नहीं आए। अबे भाई आधे लोग उससे डर गए, वहाँ फिसलन थी ना बर्फ वैसी वाली थी, हाँ तो बहुत लोग गिरते हैं, वो देख रहे कि लोग गिर रहे हैं तो फिर गए नहीं। अच्छा हमको सिखा रहा है, खड़ी चढ़ाई मेरी होगी हालत खराब, मतलब क्या करूँ है, वहाँ चलना तो ही धीरे धीरे चले चले चले, फिर दोस्त फिर बोला भाई खच्चर में बैठ जा, पैदल 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 जा रहे थे क्या, गाड़ी चढ़ाई थी ना पैदल ही जाना है, रोड तक तो गाड़ी से चले गए, उसके बाद तो ऐसे ही था जैसे यहाँ से वहाँ ऊपर। अच्छा गाँव में ऊपर शादी थी, और अब हम आ गए ऊपर से नीचे, तन में भी आ गए दैसे तैसे, क्या कहते हैं लास्ट पे, क्या कहते हैं like share and subscribe। Take you home with me.